नेक्स्ट रूट इज द रेक्टल रूट. ड्रग को कहाँ पर रखेंगे? रेक्टम में रखेंगे. रेक्टम इज कहाँ पर है? वेर इज रेक्टम? विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ऐसे ही है ना. अच्छा, तो भाई डेफिकेशन क्या अफेक्ट कर सकती है ड्रग को? ड्रग की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है. अच्छा बच्चों, आपके ऑथर ने इधर लिखा है, अभी इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस करना है. जो 50% आपका ड्रेनेज है, द 50, दिस इज द बेस्ट रूट. अच्छा, इन द सेंस कि आपके जो 50% ड्रग है, 50% ड्रग है, दैट विल बाई पास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपकी 50% ड्रग ने अपने आप को सेफ कर लिया कि मेटाबॉलिज्म ना हो, लिवर की तरफ ना गई. लेकिन 50% ड्रग के तो चांसेस हैं ना. ठीक है, कैसे हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं. भी आपके ऑथर ने लिख दिया द रेक्टर, सेकेंड बुलेट में, द रेक्टर रूट हैज़ एडिशनल एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग इन दी आई इन्वायरमेंट. जी आई टी ट्रैक में, स्टमक में से तो जा नहीं रही आपकी ड्रग. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आ नहीं रही आपकी ड्रग. तो दैट इज़ आप कह दें कि आपके जो ड्रग है दैट इज़ सेफ. आपका एडवांटेज ये है कि वो GI में, स्टमक वगैरह में जाके इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही. अब बात यहाँ पे ये रहेगी, 50% ड्रग तो आपके सिस्टम में वो पोर्टर फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास कर रही है. 50% ड्रग आपके सेफ है, 50% जो आपकी ड्रग है दैट इज़ अनसेफ. अब कैसे है बच्चों, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ. इधर मैंने बच्चों आर्टिकल्स का रेफरेंस लिख दिया है. आपकी जो 50% इधर ऑथर ने लिखा है 2/3, आप समझ लो हम 50% के अकॉर्डिंगली बात करें ना, इसको कंसीडर कर लो. आपके जो 50% ड्रग है दैट इज़ बाईपासिंग दी हिपैटिक फर्स्ट पास. ओके, एज क्यों? क्योंकि जो एज द रेक्टम, अब वर्ड के ऊपर गौर करना, द रेक्टम्स वीनस ड्रेनेज इज 2/3 सिस्टेमिक. अच्छा, इसके अंदर इसने ब्रैकेट में लिख दिया है मिडल एंड द इन्फीरियर रेक्टर वेन. अब ये पॉइंट समझने वाला है. अब मैंने वेन्स के नाम बोलूँगी, आप लोगों ने इसको याद रखना है. लिखा है मिडल, मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन. अच्छा जी, आपकी जो इन्फीरियर और मिडल रेक्टर वेन है वो आपके पर्टिकुलर एरिया से ड्रेनेज को लेके जाती है डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ऐसे लिखा है ऑथर ने, ये चीज़ लिखी है. अब इसको फिर से डिस्कस करेंगे. एंड द रिमेनिंग 1/3, हम लोग बुक लिपन कोड के अकॉर्डिंगली कर ले, हम 50-50% कर लेते हैं. ठीक है, 1/3 हेपेटिक, 1/3 को ले जाती है टूवर्ड्स दी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि लिवर की तरफ, ताकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो. बच्चों सुपीरियर रेक्टर वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन क्या करती है? ब्लड को, सर्कुलेशन को, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया से प्रोडक्ट को उठाया और उठाकर लेगी टू दी पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. भाई आपने ड्रग आपके पास थी, आपने रेक्टल रूट के अंदर रेक्टम में आपने ड्रग को रखा. अब ड्रग ने अब्सॉर्प्शन होनी है ना, ड्रग की अब्सॉर्प्शन हुई. ड्रग को बेसिकली आपकी 3 तरह की वेन्स ने उठाया. ड्रग कहाँ, ड्रग को आपकी 3 तरह की वेन्स ने उठाया. वेन्स में ब्लड है ना, ठीक है. ड्रग जी मिडल में वेन में गई, इन्फीरियर रेक्टर वेन में गई. जो तो ड्रग मिडल और इन्फीरियर रेक्टर वेन में गई, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. जो तो ड्रग आपकी सुपीरियर रेक्टर वेन में गई, That will become the part of the portal system. Ultimately, यहाँ से ब्लड ने, यहाँ से ड्रग ने उठना है, उठ के लिवर की तरफ चले जाना है. कह लो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये 50% ड्रग इज आपकी गुड जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है. 50% आपकी ड्रग जो है वो उस फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म के अंदर चली गई. मोर प्रिसाइजली जब हम आर्टिकल देखें,
ये एक्चुअली 50-50 का नहीं है रेशियो. द रेशियो इज दी देखो टू थर्ड और वन थर्ड, ये रेशियो है एक्चुअली. ठीक है, यानी कि कम ही ड्रग गई ना आपकी पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर. बच्चों जो आपकी मिडल और जो इन्फीरियर वेन है ये कहाँ पर जाके एम्प्टी करती है, इट विल एम्प्टी इटसेल्फ इनटू द इंटरनल इलियक वेन एंड द इन्फीरियर वेना कैवा. तो अल्टीमेटली आपकी सर्कुलेशन में हार्ट की तरफ चलेगी ड्रग. ठीक है, आपकी मिडल इन्फीरियर वेन इज गेटिंग एम्प्टिंग इटसेल्फ इनटू इंटरनल इलियक वेन एंड दी इंफीरियर वेना कैवा. ठीक है, अगर पूरा पाथवे देखो अल्टीमेटली योर ड्रग विल गेट एंटर्ड इनटू दी हार्ट, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन गई ना ये. अगर मैं बात करूँ सुपीरियर रेक्टल वेन की, सुपीरियर रेक्टल वेन अपने आप को एम्प्टी कर रही है, अपने प्रोडक्ट को अपने फ्लूइड को लेकर जा रही है इनटू द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन. दिस वेन विल एम्प्टी और इट इज कनेक्टिंग इट सेल्फ इनटू द पोर्टल सिस्टम, यानी कि लिवर के साथ कनेक्ट हो रही है. तो वो वाली जो ड्रग होगी उसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी. ये बात आपके ऑथर ने बेसिकली इधर लिखी हुई थी कि आपकी जो 50% ड्रग है वो पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास कर जाती है, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चलेगी, और जो 50% ड्रग है उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया. एक्चुअली ये रेशो नहीं है. आर्टिकल्स में जो रेशो मिलती है वो है 2/3 ड्रग जो है आपकी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चलेगी, 1/3 आपकी जो ड्रग है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चलेगी. फिर भी जो वेस्टेज तो कम ही हुआ ना आपके पास एज कम्पेयर टू दी ओरल रूट, बट वी प्रेफर ओरल रूट बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट. वी प्रेफर रेक्टल रूट एज कम्पेयर टू द ओरल रूट व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, व्हेन द पेशेंट इज वॉमिटिंग. ऐसे ही है ना. तो बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ. आपका ऑथर ने लिख दिया दिस रूट इज यूजफुल, ये रूट आपका यूजफुल है अगर आपकी जो ड्रग है वो वोमिटिंग इंड्यूस करवा देती है. ठीक है, या पेशेंट आपका ऑलरेडी वोमिटिंग कर रहा है. अच्छा, दिस रूट, इस रूट के जरिए आप किस किस्म के ड्रग्स दे सकते हैं, यू कैन गिव दी एंटी इमेटिक एजेंट्स बाय दिस रूट. अच्छा, रेक्टल एब्जॉर्प्शन क्या है, रेक्टल एब्जॉर्प्शन समटाइम्स रेक्टल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही, बिकॉज देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन. अभी हमने डेफिकेशन वाला फैक्टर डिस्कस किया था ना. सो आपका ऑथर ने लिख दिया अब्जॉर्प्शन इज ऑफन इरेक्टिक इनकम्प्लीट और ड्रग में कॉज इरिटेशन एट दैट पर्टिकुलर एरिया. जैसे आप कोई भी ड्रग इरिटेशन कॉज कर सकती है ना. सो नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों अब टेबल के ऊपर. बुक का टेबल है रेक्टल रूट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज दी रेक्टल रूट, एब्जॉर्प्शन इज इरेक्टिक एंड वेरिएबल. एडवांटेज क्या है, मेजॉरिटी आपके ऑथर ने पार्शली बाईपास दी फर्स्ट पास इफेक्ट. हमने कहा जी आपकी जो 2/3 ड्रग है वो बाईपास कर जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन को. ऐसे ही है ना. अच्छा, इट विल बाईपास अ ड्रग डिस्ट्रक्शन बाय द स्टमिक एसिड, इज इट राइट. स्टमिक में तो ड्रग नहीं ना जा रही. अच्छा जी, इट इज़ आइडियल फॉर द ड्रग दैट आर कॉजिंग वॉमिटिंग, ये भी बात ठीक है. इट इज़ आइडियल इन द पेशेंट हु आर वॉमिटिंग और हु आर कोमाटोस. कोमाटोस मीन्स दे आर इन द स्टेट ऑफ कोमा. ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस बच्चों इसके क्या आ गए, द ड्रग्स में इरिटेट दी रेक्टल म्यूकोसा, नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट, अनकंफर्टेबल रूट है. ऐसे ही है.